दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेष मनमोहक एक अच्छा इंसान बनने वाला, एक समाज में परिवर्तन लाने वाला, लोगों को अच्छा बनाने वाला, अच्छी शिक्षा देने वाला, बच्चों में, युवाओं में अच्छे संस्कार भरने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना और हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां आई है उसकी ओर इंगित करना, उसके सुधार की बात करना। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन हम नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। आज का विषय हमारा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है स्वस्थ तन स्वस्थ मन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, तन और मन दोनों का आपस के अंदर बहुत गहरा संबंध है। ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अगर आपका तन यानी शरीर अस्वस्थ है तो मन भी अस्वस्थ हो जाएगा। दूसरी तरफ से अगर मन अस्वस्थ है तो तन भी अस्वस्थ हो जाएगा। हमारे शरीर की पूरी प्रक्रिया को समझें तो सबसे पहले शरीर आता है, उसके बाद में इंद्रियां आती है, इंद्रियों के बाद में मन आता है, मन के बाद के अंदर बुद्धि आती है, बुद्धि के बाद में चित्त आता है, और चित्त जो है आत्मा का अंश होता है और हमारी आत्मा आती है। इस तरीके से पूरा एक सर्किट है। आज हम जो बात कर रहे हैं तन और मन की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा प्रकाश जो है इस सिस्टम पर भी डाल देते हैं कि हम प्रारंभ से चालू करें। ये जो शरीर है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हम धर्म की साधना करना चाहते हैं, ईश्वर भक्ति करना चाहते हैं, परोपकार करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, अच्छे कार्य करना चाहते हैं और अपने कर्मों को खपाना चाहते हैं, हम मोक्ष जाना चाहते हैं, तो सारी साधना इस शरीर से होती है। शरीर के बिना साधना नहीं होती है। और शरीर के लिए भी कहा है, शरीर व्याधि मंदिरम, यानी शरीर जो है व्याधि का मंदिर है। दोनों ही बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इस शरीर के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ये शरीर एक मंदिर है और इसके अंदर जो विराजमान है वह शुद्ध आत्मा भगवान है, प्रभु है। जब हम किसी मंदिर के अंदर जाते हैं या कोशिश करते हैं कि मंदिर में कभी हम जूते लेकर के मंदिर के अंदर नहीं जाते, मंदिर को हम स्वच्छ रखते हैं क्योंकि वहाँ का वातावरण स्वच्छ रहता है, वहाँ भगवान विराजमान होते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्ति होती है, तो उसके सारा जो पास के परमाणु होते हैं शुद्ध होते हैं। वहाँ जाने से हमारे भीतर की शुद्धि होती है, हमें आनंद की प्राप्ति होती है, हमें शांति की प्राप्ति होती है। ये सारी बातें क्यों कही जा रही है? क्योंकि ये बातें तन और मन से जुड़ी हुई है। और वैसे जो है हम योग की बात करें तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, वह भी इससे जुड़ा हुआ है। किसको जोड़ना है? माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड का मतलब मन, बॉडी का मतलब तन और सोल का मतलब आत्मा। जहां पर तन मन और आत्मा एक लाइन में रहेंगे, सिंक्रोनाइज रहेंगे, व्यवस्थित रूप से रहेंगे, तो वह व्यक्ति होलिस्टिक रूप से स्वस्थ रहेगा, कभी अस्वस्थ नहीं हो सकता है। क्योंकि इस शरीर के अंदर जो अस्वस्थता आती है वो मन के अस्वस्थता से आती है, इसलिए मन और शरीर को मिलाकर जो व्याधियां होती है वो साइकोसोमेटिक डिजीजेज कहलाती है, जो कि मन और शरीर से जुड़ी हुई होती है। शरीर तो एक फील्ड है, एक जो है कार्य क्षेत्र है, लेकिन इसके अंदर जो पहले मन के अंदर सारी बात आ जाती है, वह मन की बात शरीर के अंदर उतर जाती है। हर व्यक्ति के, हर जीवित प्राणी के चारों तरफ एक ओरा होता है, एक इंची थिकनेस के अंदर जैसी उसकी सोच होती है वैसा आभा मंडल बनता है। और इस आभा मंडल के, जिसको हम तेजस जो है शरीर बोलते हैं, जिसको उस ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं, उसके जो है आजकल चित्र ले लिए गए हैं कर्लियन फोटोग्राफी के माध्यम से, आभा मंडल के चित्र लिए जाते हैं, तो व्यक्ति की किस तरह की थिंकिंग है,
पॉजिटिव थिंकिंग है या नेगेटिव थिंकिंग है उसका उस कर्लियन फोटोग्राफी से सब पता कर दिया जाता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का विषय इसीलिए रखा गया है कि व्यक्ति को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं एक शिक्षक होने के नाते, प्रोफेसर होने के नाते विद्यार्थियों की जब क्लास देता हूँ तो उनको तीन बातें सबसे पहले रटाता हूँ कि थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप दुख में से भी सुख को निकाल देंगे। कैसे? अब आप सोचिए, मान लीजिए हम जा रहे हैं और हमारे स्कूटर से थोड़ी सी टक्कर लग गई, टक्कर लग करके हमारे थोड़ी सी खरोंच आ गई है, तो हमको उस वक्त चिंतन करना चाहिए कि अच्छा हुआ थोड़ी सी खरोंच के अंदर भी काम चल गया। हो सकता है मैं गिर करके और मेरे फ्रैक्चर भी हो सकता था, और छोटी बीमारी हमको खांसी की या बुखार की हो जाती है तो हमको ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि छोटे से के अंदर ही मेरा काम चल गया। और कोई बड़ी बीमारी हो जावे, जो आजकल बीमारियां भयंकर बीमारियां, कैंसर की है, हार्ट की है, किडनी की है, कितनी कितनी डिप्रेशन की, कितनी कितनी भयंकर बीमारियां होती है, तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग अर्थ ये होता है कि हमारे जो नीचे के लोग हैं, जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जो हमारे से ज़्यादा कष्ट वाले हैं, हमारे से वो कम गुणी हैं, हमारे से जो है वो कम जो है कहना चाहिए योग्यता रखते हैं, उनको देख करके संतुष्टि करनी चाहिए कि हम तो इनसे तो अच्छे हैं। और हम ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारे ईर्ष्या होती है, हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि ये कितने जो है धनवान लोग हैं और वो पैसा इन्होंने शोषण करके इकट्ठा किया है, बड़ी बड़ी अट्टालिका के अंदर रहते हैं, ये एसी में रहते हैं और किसी के जो है वो तकलीफ का कोई भी इनको ध्यान नहीं रहता है। इस तरीके से नेगेटिव होता उनके कर्मों से है। वो जो है पैसे वाला क्यों बना? क्योंकि उसने किसी न किसी जन्म में पुण्य कार्य किए हैं, जो उसने अच्छे कॉज डाले हैं, आज उसका फल मिल रहा है, उसका इफेक्ट मिल रहा है। तो तन और मन से जुड़ने का अर्थ यह हुआ, हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और सोच बड़ी होनी चाहिए और इतनी बड़ी होनी चाहिए यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस। 84 लाख जीवा योनियों के प्राणियों को किंचित मात्र भी दुख ना हो, हे ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी जागृति दो। आदमी को ऐसा थॉट रखना चाहिए कि मेरे मन से, मेरे वचन से और मेरे शरीर से किसी को किंचित मात्र भी कष्ट ना हो, तो ऐसी चिंतन रखना चाहिए। और व्यक्ति को हर वक्त चिंतन करना चाहिए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और वास्तव के अंदर रियल दृष्टि से आप देखो तो हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर वही शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, वही शुद्ध आत्मा राम की शुद्ध आत्मा है, वही शुद्ध आत्मा कृष्ण की है, वही शुद्ध आत्मा कीड़े की है, वही शुद्ध आत्मा मकोड़े की, और वही शुद्ध आत्मा मेरे में है। लेकिन ये अंतर क्यों है? ये अंतर अपने अपने कर्मों के बॉन्डिंग्स के अनुसार है कि किसी से कर्म बहुत भारी है इसलिए कीड़ा मकोड़ा बना है, कोई नारकी में गया, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, चारों गतियों के अंदर जो लोग बहुत बुरे कार्य करते हैं वो नरक गति के दुख भोगते हैं, और जो लोग बहुत सत कार्य करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, सर्वहित के कार्य करते हैं, भलाई के कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं, सबका भला सोचते हैं, वो लोग देवलोक के अंदर जाते हैं, वहां पे उनको सुख ही सुख मिलता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सच्चे अर्थ के अंदर हमारा मन का मतलब होता है थॉट से है। देखिए मन किसे कहते हैं कि मनन से पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है, मन केवल मनन के समय ही होता है। और मन जो है एक नौकर है, मन मालिक नहीं है। मन को जो है वो अमन भी हुआ जाता है, मन से अमन होने की साधना होता है, वो आत्मशुद्धि की साधना होती है। जब हम आत्मा के दायरे के अंदर चले जाते हैं ये मन समाप्त हो जाता है। और जीवन का लक्ष्य यही है कि ये जो हमारा मन है वो हमारे कुछ ऐसे कार्मिक बॉन्डेज है जो मन के रूप में परिवर्तित होते रहते, इसको समाप्त करना है। और मन के लिए कहा गया, मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। जो क्योंकि ये स्वस्थ तन की बात है, स्वस्थ मन की बात है,
तो मन जो है वो तन से बड़ा होता है, उसकी उसका स्टेज है वो तन से ऊपर है। तन तो बेचारा मन से संचालित होता है, और वैसे मन भी सवरी नहीं है, मन के ऊपर भी जो है अहंकार बैठा है जो मन को जो है घुमाता रहता है, प्रियता अप्रियता के ईगो ईगो की सारी बात मन को करवाता, वो अहंकार करवाता है। लेकिन अहंकार को जीतने के लिए वो अहंकार बुद्धि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बुद्धि अहंकारी हो जाती है और वो मन के ऊपर राज करती है। तो इस अहंकार को जीतने के लिए हमें प्रज्ञा के जगत के अंदर जाना चाहिए। प्रज्ञा जो आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है, सीधी आत्मा से जुड़ी हुई है, वह कभी भी गलत काम नहीं कराती है। शुद्ध आत्मा, देखिए चाहे किसी की अशुद्ध आत्मा हो, वो किसी को कष्ट नहीं देती, उसमें कष्ट देने की प्रॉपर्टी है ही नहीं है। हर शुद्ध आत्मा जो है किसी को कोई कष्ट नहीं देती है, और प्रज्ञा उसकी रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण जो है हमेशा पॉजिटिव सोचती है। तो इसीलिए हमको प्रज्ञा के पक्ष में रहना चाहिए, प्रज्ञा के जगत में जाना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े हमारे महात्मा लोग हैं, उन लोगों ने जो सत्य की बात कही है, तो ये सत्य कहाँ से आया? ये सत्य प्रज्ञा के जगत से आया, ये इंट्यूशनल पावर से आया। वहाँ पर प्रज्ञा के जगत के अंदर सारे सत्य समाप्त हो जाते हैं, वहाँ पर केवल वाइब्रेशंस होते हैं। वाइब्रेशन सबको एक सा नजर आता है, जैसे गुड़ होता है, गुड़ को आप जो अंधेरे में खाइए प्रकाश में खाइए वो मिठास ही देता, उसी तरीके से जो भी उस जगत के अंदर बड़े बड़े महापुरुष ही जा सकता है, उस जगत में जाने पर जो है उसको हमेशा अच्छा ही दिखाई देता है, सत्य दिखाई देता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम काफी गहरे चले गए थे, अब जो थोड़े समय का ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हूं। हमने ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद अब तरोताजा महसूस कर रहे हैं और पुनः हमारा निर्धारित विषय है, उस विषय के ऊपर हम वार्तालाप जारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए। और कहा भी गया है कि ए साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। हमारा मन जो है स्वस्थ शरीर में रहता है, और जहां पर शरीर स्वस्थ है मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ होगा, एक दूसरे से एकदम थिकली जो है वो जुड़े हुए होते हैं। और हमारे शरीर को शुद्ध रखने के लिए व्यायाम करना चाहिए, प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, प्राणायाम किया जाना चाहिए, और हमारा भोजन जो है संतुलित होना चाहिए, मिताहार होना चाहिए, भोजन जो है हित मित्त और रित होना चाहिए। हितकर भोजन यानी मतलब जो भोजन जो है हमें जो आजकल जो कैलोरी नाप करके जो भोजन दिया जाता है वो संतुलित भोजन कहा जाता है। न्यूट्रिशियस भोजन जो है लेना चाहिए, उस न्यूट्रिशियस भोजन में 20% प्रोटीन होते हैं, 10% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 10% वसा होती है, 6% जो है उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, और 60% पानी होता है। तो इस तरीके से ये एक संतुलित भोजन है वो हमें करना चाहिए, और हर व्यक्ति को श्रमशील होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है शरीर तो घूमता रहना चाहिए, मन स्थिर रहना चाहिए, मन खूंटे बंधा हुआ रहना चाहिए, मन विक्षेप नहीं होना चाहिए, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए। व्यक्ति पागल कब होता है? जब मन को जो इधर उधर ज्यादा घुमाता है। मन तो एक जगह स्थिर होना चाहिए, शरीर घूमते रहना चाहिए, शरीर से खूब शारीरिक परिश्रम कराया जाना चाहिए। अपना जो भी दैनिक कार्यक्रम है, मॉर्निंग वॉक का है, कपड़े धोने का है, अपने हाथ से जितना हो सके कार्य करना चाहिए, उससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है, शरीर को व्यायाम होता है, शरीर के मसल्स होते हैं वो मसल्स जो है सॉफ्ट हो जाते हैं। नहीं तो एक जगह बैठे रहने से व्यक्ति का पेट फूल जाता है और उसके जितने भी है उन अकड़न आ जाती है, मसल्स के अंदर अकड़न आ जाती है, बोन्स में अकड़न आ जाती है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को श्रम करना चाहिए, न्यूट्रिशियस भोजन कराना चाहिए, और उसके साथ साथ में मन जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। हर वक्त में अच्छा चिंतन करना चाहिए, और बुरा चिंतन भी आ जाए तो उसको फट जो है पॉजिटिव चिंतन के अंदर पलट देना चाहिए। किसी के प्रति बुरा भावना आ गई, जैसे मान लीजिए
कि अपनी कोई सुंदर स्त्री खड़ी है, स्त्री के प्रति कुभावना आ गई है, उसको तुरंत ही अपने मन को जो है पश्चाताप करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए कि संसार में एक मेरी स्वयं की पत्नी को छोड़ करके संसार की जितनी सारी स्त्रियां हैं, छोटी है वो मेरी बेटी है, मेरे बराबर समकक्ष है मेरी बहन है, बड़ी है माता है, दादी है, नानी, इस रूप के अंदर सबके प्रति जो है वैसी जो है आदरणीय भावना, पूजनीय भावना रखनी चाहिए। गलत कोई भी जो गलत भावना जो अंदर नहीं आनी चाहिए, वासना नहीं आनी चाहिए, जो कष्ट है वो वासना के अंदर है, कोई भी व्यसन मतलब जो है सेवन नहीं किया जाना चाहिए, वासना हमारे भीतर नहीं आनी चाहिए, ये वासना बुरी होती है तो उससे हमें दूर रहना चाहिए, सौदार संतोष करना चाहिए। हमारे फैमिली के अंदर जो सिस्टम शादी का है वो अपनी पत्नी एक पत्नी के साथ में अपना जो है वो सारा सौदार संतोष संतुष्टि रखनी चाहिए, सौदार संतोष के लिए ही फैमिली सिस्टम बनाया गया है, और दूसरे को बड़ी पूजनीय नज़र से देखा ना जानी। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं कि अगर आप शारीरिक रूप से स्वयं का कार्य करते हैं तो वह जो देखिए उसके अंदर आपका पैसा बचता है, आपका समय बचता है, आप किसी को भेज करके कोई कार्य कराओगे तो वो दो बार चार बार आपको पूछेगा, जाएगा, गोते लगाएगा, और आप स्वयं अगर जाते हो तो एक समय के अंदर आप चार काम करके आ जाते हो, जो जो आपके दिमाग के अंदर सारे कार्य हो सकते हैं। और व्यक्ति को टाइम की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, सबसे बड़ा शरीर को स्वस्थ बनने के लिए अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द साइन ऑफ द हेल्थ। व्यक्ति को समय पर सोना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, ये सबसे अच्छा नियम है, ये प्राकृतिक नियम है कि ईश्वर ने 24 घंटे के अंदर 12 घंटे की रात बनाई है, 12 घंटे का दिन बनाया। दिन जो है हमारा पूरा श्रम करने के लिए, कर्म करने के लिए, और कर्म कैसा, सुकृत कर्म करने के लिए है। हमें ईश्वर ने ये जो तन दिया है, ये तन ईश्वर का तन है, ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर जो है 18 गीता पूरी जो युद्ध के मैदान के अंदर लड़ी गई, जब जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन तक चला था, तो प्रतिदिन का एक एक अध्याय बनाए जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में, पहले 6 अध्याय जो है वो कर्म योग के हैं, दूसरे 6 अध्याय जो है वो भक्ति योग के है, और तीसरे जो अध्याय है वह है मतलब ध्यान योग के है। तो इस तरीके से 18 जो अध्याय है ये हमें प्रेरणा देते हैं। तो हमारा मूल जो हमको ईश्वर ने भेजा है, वह ईश्वर ने अच्छे कार्य करने के लिए भेजा है, और हमारे जो कर्मों की जो बॉन्डिंग है, जो जो हमने गलत कॉजेज पहले डाल दी हैं, उसका प्रायश्चित करने के लिए हमको भेजा गया है कि हमने 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों में किसी न किसी प्राणी के साथ के अंदर कोई न कोई दोष किया है, उस दोष को धोना चाहिए। देखिए तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए मैं एक सुंदर फॉर्मूला देता हूँ कि इस सारी सृष्टि के अंदर जो है जो 84 लाख उत्पत्ति स्थान गिने जाते हैं, जीवों की संख्या तो अनंत है, ये जीव नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति में अपने अपने कर्मों के बंधन के कारण घूमते रहते हैं, उसको नए नए लोग मिलते हैं और वो कर्मों का कोई लेन देन होता है, उस लेन देन को पूरा करते हैं। तो इसलिए मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसके अंदर एक विकसित दिमाग होता है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो हमें हर क्षण सोते समय उठते समय में एक चिंतन करना चाहिए। मैं आपको उसकी विधि बताता हूँ। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेज का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेन्द्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चतुरेन्द्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरियंच पंचेन्द्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि में जो भी प्राणी है, उन प्राणियों में किसी भी जन्म में मेरा उनके साथ में मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से मैंने किसी का दिल दुखाया है, किसी को कष्ट दिया है मेरे द्वारा, तो शुद्ध अंतःकरण से ऐसे समस्त प्राणियों से मैं क्षमा याचना करता हूं,
मैं उनको क्षमा करता हूं, वे मुझे क्षमा करें। और साथ साथ के अंदर इस सृष्टि के 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को मैं निर्दोष मानता हूं और निर्दोष घोषित करता हूं। कितना बड़ा सुंदर एक यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस का है, मन को शुद्ध करने का है, तन को शुद्ध करने का है, कि जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं वो स्वतंत्र रूप से तुम्हारा जो है कोई भी नुकसान नहीं करते हैं। वो नुकसान जो निमित्त बन करके करते हैं कि हमने किसी न किसी समय के अंदर उस प्राणी को किसी न किसी रूप में कष्ट दिया है, चाहे ठगा है, चाहे मारा है, चाहे पीटा है, चाहे उसका लूटा है, या चाहे कुछ उसके साथ अन्याय किया है, तो आज वो कर्म हमारा उदय में आता है तो वो निमित्त बन करके हमको मारता है, पीटता है, हमारी हत्या करता है, हमारा धन दबाता है, या हमें किसी तरह गाली करता है, गलौज करता है। तो हमें उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि भैया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि स्वतंत्र रूप से तो कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकते, तुम्हारा मेरा कोई हिसाब है, मेरा कोई लेन देन है। जो बैंक के अंदर डेबिट क्रेडिट का सिस्टम होता है, कितना सुंदर सिस्टम है कि आपने पैसा अगर जमा कराया तुरंत क्रेडिट हो जाएगा, 10,000 रुपया क्रेडिट हो गया, और आपने 5,000 रुपया निकाला वो डेबिट हो गया, नेट बैलेंस 5,000 होगा। इस तरीके से 84 लाख जीवा योनि के साथ में हमने जब जब रिलेटिव रूप से जो है किसी न किसी को तंग किया है किसी न किसी जन्म के अंदर, तो हमारा डेबिट क्रेडिट का NOC बोलते हैं इसको, ये NOC ली जाती है। हम बार बार प्रत्यक्ष रूप से उन 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों की शुद्ध आत्मा की साक्षी से, उनकी विटनेस से हम बात करेंगे तो वो हमें भी क्षमा करेंगे, हम उनको क्षमा करेंगे, और हमें ऑटोमेटिक बार बार बोलते रहेंगे तो सबकी NOC धीरे धीरे NOC प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरफ से NOC आती है। और वो जिस तरीके से इस कॉस्मोस की शक्ति शुद्ध, देखिए अगर हमारा मन स्वस्थ है, अगर हमारा मन सुंदर है और हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, तो इस कॉस्मोस से जो है वो पॉजिटिव ऊर्जा हमारे भीतर जो है वो उतरती है और हमारे मन को ऊर्जावान बनाती है, तन को ऊर्जावान बनाती है। और जब इस तरीके की ऊर्जा सारी बॉडी के अंदर जाती है, एक एक कोशिका तक जो है पॉजिटिव थिंकिंग की ऊर्जा जाती है, और कहीं पर विक्षेप है, कहीं पर अशुद्धि है, कहीं पर अकड़न है, जकड़न है, कहीं दर्द है, उस कॉस्मिक ऊर्जा के कारण है वो स्वतः ही ठीक हो जाए। ये नेचुरल लॉ है, ये सब प्रकृति काम करती। मैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपको उदाहरण के तौर बताता, तन और मन की इतनी हम चर्चा कर रहे हैं, आप देखिए कि एक मनुष्य प्राणी के अलावा तो 83 लाख प्राणी जो और है, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे है, उनको कौन सा डॉक्टर आकर के उनको स्वस्थ करता है। वो लोग, वो देखिए इस पूरी सृष्टि को हम गहराई से सोचें तो सारा चराचर जगत है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंचभूतात्मक है। पंचभूतों से ये 84 लाख जीवा योनि के हर प्राणी का जन्म होता है, पंचभूतों से उसका पोषण होता है और पंचभूतों के अंदर विलीन होता है। जब कोई भी प्राणी अपना देह त्याग करता है, हर प्राणी का देह त्याग होता है, पशु का होता है, कीड़े का होता है, मकोड़े का होता है, मनुष्य को होता है, गाय का होता है, भैंस का होता है, बिल्ली का होता है, जब वो प्राण त्याग होता है तो उसके अंदर पांच भूतों से जो शरीर बना था, पालन हो रहा था, वो निकल करके पृथ्वी पृथ्वी में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में और जल जल के अंदर चला जाता है। और ये सारी इस चराचर जगत की जो है ऊर्जा इसके अंदर ही रहती है और ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, अब समय आ गया है निष्कर्ष निकालना है कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन की जो बात मैं कह रहा हूं उस बात से व्यक्ति को क्या फायदा होगा, समाज को क्या फायदा होगा, और इस पुनरुत्थान कार्यक्रम जो ये एपिसोड देखेगा उससे उसको क्या लाभ मिलने वाला है। क्योंकि आजकल हर व्यक्ति, दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में, जो हमारे सामाजिक विषय है, धार्मिक विषय है, राजनीतिक विषय है, डे टू डे जीवन को, हमारी कार्य पद्धति के विषय है, हमारी जीवन शैली के विषय, सुंदर सुंदर विषयों के ऊपर प्रतिदिन इसीलिए बताया जाता है। पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य जगत कल्याण का है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, इसी क्रम में आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो,
सुखमय हो, आप अपने परिवार के साथ आनंद के साथ रहते हुए खूब परोपकार करें, खूब जनता की सेवा करें और अपने आप को मोक्षगामी बनावें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।